वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेड फ्रेंड एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यह किंग के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने के लिए रेडी हो गया और दोनों किंग के रूम आए, फिर वही हुआ जो होना था। लेकिन इससे पहले उया ने उनके रिलेशनशिप के कुछ रूल्स डेवलप किए। फर्स्ट कि वो लोग लव मेकिंग बस वीक में 2 बार करेंगे और इससे अगर किंग एग्री नहीं है तो रिलेशनशिप शुरू करने की जरूरत भी नहीं है, और अगर उया ने कहा ना तो इसका मतलब ना ही होना चाहिए। सेकंड, किंग उस पर कोई भी लव बाइट या मार्क नहीं छोड़ेगा और ना ही ऑफिस में किंग को उसके साथ फ्रेंडली होने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहता ऑफिस में किसी को भी इस बात की भनक लगे, इवन जेड को भी नहीं। और फॉर सिक्योर सेक्स किंग ऑलवेज कॉन्डोम यूज करेगा, और अब दोनों रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी अगर इसे एंड करना चाहता है तो एंड हो जाएगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप के बीच कोई भी किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, अगर ऐसा हुआ तो उसी दिन सब खत्म। उया के रूल्स काफी लंबे चौड़े थे जिसे किंग ने भी एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन उसके भी एक रूल्स थे कि लव मेकिंग वीक में बस 2 बार बहुत कम हो रहा है, तो मे बी वो तीसरे पर्सन के पास जाने से खुद को ना रोक पाए, एटलीस्ट वीक में 4 बार तो होने ही चाहिए। उया को यह मंजूर नहीं था। किंग ने रिक्वेस्ट की और डील 3 पर फाइनल हो गई। उस रात तो दोनों ने लव मेकिंग किए, लेकिन रूल्स के हिसाब से ऑफिस वालों को इसकी भनक नहीं लगने देनी है, और उया इस बात के लिए बहुत सीरियस है। वो दोनों साथ में ऑफिस तो आए, लेकिन दूर में ही उया ने किंग को उसे ड्रॉप करने के लिए बोला। किंग तो उसके बात समझ गया, लेकिन अब तो उसे उया की आदत जो लग चुकी थी। ऑफिस में तो किसी तरह वो उया को टच करने से खुद को रोक था, लेकिन रूम आते ही उसके अंदर के फीलिंग्स बाहर आने लगते हैं। इसी तरह से उनके फ्रेंड्स विद बेनिफिट बने। कई दिन बीत गए। आज उया को मॉम का मैसेज आया, वो उसे घर बुला रही थी और अपने डैड के कॉल रिसीव करने से मना भी कर रही थी। और उया के मॉम का जिक्र होते ही वो तो बचपन की यादों में चला जाता है, जब गे होना गुनाह मानकर मॉम ने उसे अंधेरे बाथरूम में बंद कर दिया था। किंग उसकी परेशानी समझ रहा था, उसने उया से रीजन पूछा। उया ने उसे रीजन बता दिया कि मॉम मुझे घर बुला रही है, पर मैं बहुत सालों से घर नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूँ। उसने किंग को बोला, जब तुम घर जाओगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। शाम को दोनों रूम पहुंचे। उया सावर करके आया, उसने किंग की टी शर्ट उसे दे दी। किंग के फीलिंग्स फिर जागे, उसने उया को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बाल सुखाने लगा, फिर धीरे धीरे उसे पीछे से किस भी करने लगा। लेकिन अचानक से इस इंसिडेंट ने उया को अपने बचपन की गंदी भयानक यादें ताजी कर दी। उसके अंकल जस्ट इसी तरह से उसे अब्यूज करने की कोशिश करते थे। उया को कलर पेंसिल गिफ्ट देने के बहाने आते और बच्चे को अब्यूज करते। उया तुरंत किंग से दूर हट गया। किंग, तुम कर क्या रहे थे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। किंग भी थोड़ा वरीड हो गया, उसे समझ आ गया शायद उसके एक्शन ने उया को डरा दिया है। वो सॉरी बोलने लगा। उसने उया से प्रॉमिस किया कि अब से वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा जिससे उया को डर लगे, पर उया तो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और किंग से नाराज भी। अगले दिन ऑफिस में किंग ने सॉरी के तौर पर उया को एक कॉल रिंग दिए, पर उया एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जेड उया को आवाज लगाता हुआ उनके पास आया। उया ने तुरंत कॉल रिंग ले लिए और उसमें सॉरी लिखा नोट्स को छुपा दिया। जेड उन्हें देखते ही सिचुएशन समझ गया, लेकिन ऐसे, किंग तुम फिर से उया को टीज कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। किंग ने उसे डांट दिया। लगे हाथ गन भी वहां पहुंच गया और किंग को अपने साथ डिनर पार्टी के लिए चलने को बोलने लगा और बच्चों की तरफ वो रिक्वेस्ट करने लगा। किंग को उसकी बात माननी पड़ी, पर पार्टी में पहुंचते ही उसने उया को कॉल लगा दिया। उया ने पूछा, क्यों कॉल किया तुमने मुझे, गन के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे हो क्या। किंग का कहना था, नहीं गन के साथ तो क्या, किसी और के साथ भी नहीं, अगर ये उया नहीं तो कोई और भी नहीं। उया थोड़ा शर्मा गया। किंग ने उसे प्रॉमिस किया कि आज रात वो गुड बॉय बनकर रहेगा, वो किसी के साथ भी हैंग आउट नहीं करेगा। उया को उसकी प्रॉमिस अच्छी लगी, वो स्माइल करने लगा, लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि उसके एक्स का मैसेज आया, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे ना, तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उया बहुत घबरा गया, उसे समझ नहीं आने लगा कि अब क्या करे। इधर किंग ने सच में अपने प्रॉमिस कंटिन्यू रखे, किसी भी लड़की और ना लड़का को अपनी आँख उठा कर देखी और ना ही ड्रिंक पिए, फिर भी सबकी नजर उस पर थी। बेचारा गन तो ड्रिंक का ग्लास लेकर सबके साथ चीयर करने के लिए तैयार था, पर कोई उसे देख ही नहीं रहा था। उसने कुछ ज्ञान किंग से लेने के बारे में सोचा कि कैसे सब उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। किंग ने गन से उसके टाइप के बारे में पूछा कि आखिर वो किस तरह के लोगों को पसंद करता है। गन ने अपने ऑफिस में एक लड़की का नाम बता दिया और दूसरे उया का, ये वो बहुत क्यूट है। किंग ने एक चाटा उसे लगा दिया। गन को बात समझ नहीं आई, पर किंग ने उसे लिमिट क्रॉस करने से मना किया। एक लड़की उनके पास आई, उनके साथ ड्रिंक करना चाह रही थी वो, पर किंग ने तो चीयर्स करके उसे इग्नोर कर दिया। अगले दिन किंग ने मैसेज करके उया को बता दिया कि वो अकेले ही घर आ गया और सो गया। बहुत बोरिंग लग रहा था अकेले। उया यह सब पहले ही सुन चुका था, उसे गन ने पहले ही किंग के बारे में बता दिया था। ऑफिस के किचन में गन भी आ गया, वो थोड़ा टायर्ड लग रहा था। उया ने उसे कॉफी के बारे में पूछा, गन ने हाँ किया और मसाले देखने लगा, लेकिन उसके आंख में धूल चली गई। उया उसकी हेल्प करने लगा। उसी टाइम किंग भी ऑफिस पहुंचा और उसने दोनों को क्लोज देखा और उसे गन की कल रात वाली बात याद आ गई कि उसे गन क्यूट लगता है,
बस किंग ने तुरंत दोनों को दूर हटा दिया और उया को खींचकर प्रिंटर वाले सेक्शन में ले आया। उया को भी उसकी हरकत समझ नहीं आई। किंग क्या कर रहे हो तुम, हम अभी ऑफिस में हैं। किंग बोलने लगा, उया तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें मालूम है मुझे जेलस फील हो रहा है। उया थोड़ा नाराज हो गया। किंग तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कभी भी किसी एक के साथ सेटल नहीं रह सकते, मेरे साथ मजाक मत करो तुम। किंग की आंख में आंसू थे। उया क्या हो, अगर मैं सीरियस हूँ तो। उया को फिर किंग की बात अजीब लगी। गन अभी भी किंग की हरकत से थोड़ा घबराया हुआ था। उसने किंग को मनाने के लिए जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए और फिर घर जाने के लिए सबको बाय किया। लेकिन मांगकोन सीनियर के होते हुए कोई कैसे उनसे पहले घर जा सकता है। उसने गन को रोका, एक फाइल जेड को कंप्लीट करने के लिए भेज दी और दोनों ऑफिस से घर को चल दिए। किंग ने जेड को बताया कि वो बाथरूम जा रहा है और एक्चुअली उसे सुनाना तो उया को था, पर डायरेक्ट उसे ना बोलकर उसने जेड को बोल दिया। जेड ने फिर मांगकोन का भेजा फाइल देखा तो नो काम, उसने फिर से खाली पेपर जेड को भेजे थे। उया को भी इस बात से बहुत गुस्सा आ गया। वो तुरंत बॉस को इस बारे में रिपोर्ट करने वाला था, पर जेड ने उसे रोका। वो कोई ट्रबल नहीं चाहता था और कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कल काम कंप्लीट कर देगा। उया उसके बात मान गया और वो भी बाथरूम आया। किंग वही मिल गया। वो थोड़ा नाराज था उया से। उया ने उसे मनाने की कोशिश की पर किंग दूर भागने लगा। उया ने उसे बोला, तो आज रात मेरे रूम आना चाहोगे तुम। किंग हैप्पी और इस बार दोनों ने उया के रूम में लव मेकिंग किए। लेकिन किंग के मन में एक सवाल थे कि उया उसके साथ सोने के लिए क्यों रेडी हुआ, जबकि वो इस तरह का पर्सन तो नहीं लगता। उया का जवाब था, उसकी लाइफ वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है और वो उसे और वर्स्ट बनाना चाहता है। किंग ने उसे बोला, तो मुझे तुम्हारी लाइफ में गुड वाला हिस्सा बनने दो। उया को उस पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि किंग भी तो एक प्लेबॉय ही है ना। उस रात दोनों उया के प्लेस पर ही रहे। सुबह उया ऑफिस पहुंचा तो पार्किंग एरिया में ही एक स्पॉक उसे मिल गया। स्पॉक तो सीधे उया पर चिल्लाने लगा, जैसे उसने पहले उया से कहा था कि वो इतना इजीली उया को नहीं छोड़ेगा। ठीक आज भी वो वैसे ही उया को थ्रेट करने लगा। उया थोड़ा घबरा गया। वो बार बार पॉक को उसे छोड़ने के लिए बोलने लगा। जेड भी उया को बचाने पहुंचा पर पॉक तो जेड पर ही चिल्लाने लगा। जेड बेचारा घबरा गया पर उसने हिम्मत दिखाई और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। उया ने भी पॉक को थोड़ा डरा दिया। उसे बोला, तुम्हारे डैड एक पॉलिटिशियन है, तुम चाहते हो कि तुम न्यूज में आओ। पॉक उस टाइम तक चला गया पर वो उया का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इस बारे में किंग को भी पता चला। उसने उया से पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा पर उया ने मना किया। उन्हें बताया कि एक्स को उसने उसके डैड के नाम पर थ्रेट किया है तो एक्स उसे दोबारा थ्रेट करने की कोशिश नहीं करेगा। उया ने सबको समझा तो दिया कि वो ओके है, पर वो बिल्कुल ओके नहीं था। उसकी लाइफ में एक से एक बस बदतर लोग ही आते गए और वो बस हर किसी से बचते बचाते फिर रहा है। किंग भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने उया को कुछ दिनों के लिए अपने रूम में रहने के लिए बुलाया। मे बी उया के रूम में एक्स आकर उसे थ्रेट करे। लेकिन उया के कुछ डिसीजन लेने से पहले किंग का बुलावा आ गया। उसे बॉस ने सिस्टम में बग्स फिक्स करने के लिए बुलाए थे। वो चला गया। उया को खुशी हुई कि किंग उसकी केयर करता है, पर यह खुशी कहीं टेम्पररी ना हो, यही सोचकर वो फिर से मायूस हो गया। शाम को उया ने किंग को मैसेज किया कि वो सोने जा रहा है। किंग ने उसे रोका, इतनी भी जल्दी क्या है उया, प्लीज रुको ना थोड़ी देर और, मुझे नींद नहीं आ रही, आ जाऊँ अब तुम्हारे पास, बहुत लोनली फील हो रहा है। उया ने उसे बोला, किंग अभी आधी रात को क्या करने आओगे तुम। किंग तो बस ऐसे ही उया के साथ उसे देखते हुए सोने के लिए आना चाहता था। उसने उया को वीडियो कॉल कर दिया। उया भी उसे टीज करने लगा। वो फोन को ब्लैंकेट के अंदर ले गया और अपने पैर उसने किंग को दिखा दिए। किंग ने तो कुछ और सोचा था पर दिखा कुछ और। उया ने फिर कैमरे को सामने रखा और किंग को सोने के लिए कहा। इसी तरह एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते हुए दोनों सो गए। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर मांगकोन फिर जल्दी भागने के फिराक में था। उसने खुद ही खुद की तारीफ की कि आज उसने बहुत ही ज्यादा काम किया पर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। बेचारा खुद ही अपनी तारीफ करके घर जाने वाला था पर फाई और मोआई ने उसे रोका। पर चालाक मांगकोन ने उन्हें भी चकमा दे दिया और भाग गया। मोआई इसके लिए किंग को ब्लेम करने लगी। किंग, तुमने आज के हिसाब से सही कलर के शर्ट नहीं पहने हैं, ब्लैक कलर आज के लिए बुरा है, इसीलिए मांगकोन जल्दी ही भाग गया और हम उसे नहीं रोक पाए। फिर मोआई को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया और बॉयफ्रेंड ने भी मोआई से ब्रेकअप कर लिया। मोआई तो रोने लगी। फाई ने उसे समझाया, मैंने तुमसे कहा था ना ब्लैक कलर तुम्हारे लिए आज लकी नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और पैंट पहन ली ब्लैक कलर की। बेचारी मोआई रोते हुए घर के लिए निकल गई। किंग ने फिर गन को भी जल्दी ऑफिस से जाने के लिए बोला। गन हैप्पी, उसने जेड को एक पैम्पलेट दिखाया जिसमें 6 से 7 बाय वन गेट वन का ऑफर था। जेड हैप्पी, उसने उया को भी साथ में चलने के लिए कहा, पर उया को कुछ बोलने से पहले ही जेड ने खुद ही जवाब दे दिया, मुझे मालूम है एज यूजुअल तुम नहीं आओगे, कोई बात नहीं। किंग से भी उसने वैसे ही पूछा और खुद ही जवाब दे दिया कि वो भी नहीं जाएगा। सब चले गए, बचे बस किंग और उया। किंग ने उया को भी
आगे जाने के लिए बोला, उसे अपना वेट करने से मना किया। ओया को मन तो नहीं था, पर वो घर के लिए निकल गया। कार में उसने अपने सामान रखे, तभी पोक वापस आ गया और इस बार तो उसने हद कर दी। ओया को कार में ही धक्का दे दिया। उसे बिना किसी डर के थ्रेट करने लगा। ओया ने उसे बोला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते था। पर एक्स का कहना था इतनी आसानी से वो ओया को नहीं छोड़ेगा, उसने तो ओया से ब्रेकअप नहीं किया है ना, और अभी तो ऑफिस से भी उसके सारे दोस्त चले गए हैं, कौन उसे बचाएगा। ओया चिल्लाने लगा कि उसका एक न्यू बॉयफ्रेंड है, पर एक्स तो ओया को बुरी तरह से थ्रेट करने लगा। तो इसी के साथ बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।